हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर के। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेट करने वाला है। आपने अपने घर में फ़ैन लगा के रखा होगा, सीलिंग फैन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। सीलिंग फैन के बारे में दोस्तों, जब मैं उसको देखता हूँ हमेशा, तो मुझे ख्याल आता है कि अगर ये चलता हुआ पंखा नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा। आज के वीडियो में वही देखने वाले हम कि चलता हुआ पंखा अगर नीचे गिर जाए, अलग अलग तरीके से पंखे को गिराएंगे और देखेंगे कि चलता हुआ पंखा अगर नीचे गिर जाए तो उससे क्या दुर्घटना हो सकती है और किस तरीके से पंखा गिरेगा। काफी ज्यादा मजा आएगा वीडियो को देखने में। आप आइडिया के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों सेटअप। तो दोस्तों सेटअप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो बांस को इस तरीके से गाड़ दिया है और ऊपर में हमने पंखे को लटका दिया है। इस तरीके से लटका है कि हम आसानी से ऊपर की रॉड को खींच करके पंखे को गिरा सकेंगे। दोस्तों काफी ऊंचाई पर हमने लगाया, इससे ज्यादा ऊंचाई पर मुझे नहीं लगता कि सीलिंग फैन को लगाया जाता है। जब ये पंखा गिरेगा तो देखते हैं कि किस तरीके से गिरेगा। अलग अलग तरीके से हम इसको गिराने वाले हैं। एक दो बार इसकी पंखुड़ियों को हम एकदम लूज कर देंगे और कोशिश करेंगे कि पंखुड़ी भी गिर करके दूर जाकर के गिरे, उसको देखेंगे वो किस तरीके से चलने वाली है। तो चलिए अब करते हैं पंखे को चालू और गिराते हैं इसको पहली बार। तो दोस्तों चालू करते हैं पंखे को। तो दोस्तों पंखा चालू हो चुका है। जब ये फुल स्पीड में रहेगा तब मैं खींच दूंगा और पंखा गिर जाएगा नीचे। तो दोस्तों पंखा घूमने लगा है, काफी तेज घूमने लगा है। अब मैं खींच रहा हूं इसको और गिराते हैं नीचे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एकदम पास में। आप देख सकते हैं पंखा कहां पर गिरा है। यहां पर एकदम बीच से एकदम नीचे नहीं गिरा है, बल्कि थोड़ा सा साइडवेज गिरा हुआ है। क्योंकि पंखा चालू था दोस्तों, इसीलिए एकदम हवा के सहारे से गिरा है, तो काफी धीरे से गिरा। अब फिर कुछ नए तरीके से इसको गिराते हैं। तो दोस्तों पंखा फुल स्पीड में घूमने लगा है। अब गिरा देता हूँ सेकंड टाइम। तो दोस्तों देखा आपने, दूसरी बार भी हमने पंखे को गिराया, एग्जैक्ट सेम प्लेस पर गिराया दोस्तों, सेम तरीके से गिराया। काफी मजा आया मुझे देखने में, आपको कैसा लग रहा है बताना। अब दोस्तों हम दो पंखुड़ी पे पंखे को चलाकर देखेंगे। अभी क्या है, काफी बैलेंस होने की वजह से पंखा बहुत आराम से गिर रहा है। अब हम पंखे को चलाएंगे सिर्फ दो पंखुड़ी पर और देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। अगर पंखा अच्छे से चल पाया तो फिर से खींचेंगे रस्सी को और फिर से गिराएंगे एक बार, देखते हैं फिर किस तरीके से गिरता है। तो चलिए मैं इसकी निकालता हूँ पंखुड़ी को। मुझे लगता है कि इस बार ये थोड़ी देर बाद फिर भी गिर जाने तो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आया जब हमने दो पंखुड़ी के साथ पंखे को चलाया। काफी ज्यादा हिल रहा था दोस्तों और आखिरी में जब गिराया तो गिरने का स्टाइल भी पहले से अलग था। जब तीन पंखुड़ी के साथ गिर रहा था तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में गिर रहा था दोस्तों, काफी आराम से गिर रहा था, लेकिन दो पंखुड़ी के साथ बहुत अच्छे से गिरा। और अब आप देख सकते हैं कि हमने पंखे में बहुत अजब सा चेंज कर दिया है। तीनों पंखुड़ियों को सिर्फ एक एक नट पर हमने लगा के रखा और एकदम हल्का सा नट लगाया है। पंखुड़ी काफी ढीली दिख रही है। मुझे उम्मीद है कि पंखुड़ियां जब खुल करके दूर दूर बिखरेगी तो हमें देखने में पता चल जाएगा कि किस तरीके से गिरती है और कितना एक्सीडेंट हो सकता है अगर कोई पंखुड़ी पंखे में छूट करके निकल जाए। तो चलिए इसको करते हैं चालू और देखते हैं कितने देर में पंखुड़ी गिरती है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने जैसे ही पंखा चालू किया पंखुड़ी गिर गई थी और एकदम नीचे नहीं गिरी बल्कि दूर जाकर के गिरी। और फिर जब तार निकल चुका था पंखे का तब मैंने इसको खींच दिया और पंखे को नीचे गिरा। आप देख सकते हैं कि ये कवर जो रहता है पंखे के ऊपर वो गिर चुका है और पंखुड़ी किस तरीके से दो गिरी और एक अभी भी अटैच है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा है तो क्या पार्ट अच्छा लगा ये बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।